वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नेचुरल ग्लो एंड मैं हूँ सारा। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो, यानी कि ये जो मेकअप है ये इंस्पायर मेकअप लुक है अनन्या पांडे के ऊपर। उन्होंने अपना डेली मेकअप किस तरीके से करा तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल सा डेली नेचुरल मेकअप लुक जो कि मैं अनन्या पांडे से इंस्पायर मेकअप लुक शेयर करूँगी कि उन्होंने अपना, मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी उस तरीके वही वाला मेकअप लुक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल है, नेचुरल लगेगा और आप इसको डेली यूज में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ग्लो ऐसा लगेगा भी आप लोगों को कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है, बहुत ज़्यादा भर रखा है। नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और आपको कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्टूडेंट हैं, ट्यूशन जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन को सन प्रोटेक्ट करती है, हमें धूप से बचाती है, सन टैन सन बर्न से बचाती है। और हमें ना ये 20 मिनट पहले अप्लाई करनी चाहिए मेकअप से, तो हम इसको 20 मिनट बाद मेकअप करेंगे। ओके, सनस्क्रीन को आप अपनी पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। As you can see girls, अब इसको 20 मिनट रख के छोड़ देंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर आफ्टर 20 मिनट्स। ओके, तो वेट करते हैं गाइस। 20 मिनट्स डन हो चुके हैं, उसके बाद मैं ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, मैं इसको इसमें वापस डाल देती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं हमेशा उल्टे काम क्यों करती हूँ? शायद मैं पैदा ही उल्टा काम करने के लिए हुई हूँ, बट ओके ना गाइस, चलता है। अच्छे से मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लिया है, अब हम इसके बाद अप्लाई करेंगे। सो गाइस, उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, बीबी क्रीम, पॉन्ड्स बीबी क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी है, नेचुरल है एंड हमें डेली यूज़ के लिए यही यूज़ करनी चाहिए। हमें फाउंडेशन भर लेना नहीं चाहिए अपने फेस पे, तो हमें ये यूज़ करेंगे और बहुत ही हल्का कम अमाउंट में लेंगे, इतनी कम अमाउंट में। ओके, अब इसको हम डैप डैप करके लगा लेंगे। आप इसको अपने हाथ से भी अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाउंडेशन अच्छे से हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी। गाइस, ये बहुत ही अच्छी है, नेचुरल है कि ऐसा लगेगा नहीं आपने कुछ ज़्यादा पोत लिया है। देखो, लग रहा है ना फर्क, लग रहा है ना, यू कैन सी, एज यू कैन सी, देखो अच्छा लग रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, डार्क सर्कल है आपके, नहीं है ना, तो मैं डार्क सर्कल, मेरे भी नहीं है। अगर आपके डार्क सर्कल है, नीड है, तो आप कंसीलर यूज़ कर लेना, बट मेरे डार्क सर्कल नहीं है तो मैं कंसीलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि है ही नहीं तो करूँ क्यों। फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कोई भी कॉम्पैक्ट, फटाफट फटाफट कॉम्पैक्ट हम यूज़ कर लेंगे। कॉम्पैक्ट क्या है, हमारे जो भी हमने मेकअप करा है, जो भी वो क्रीम व्रीम लगाए ना, उसको सेट कर देगा अच्छे से। और ना समर्स है ना, तो हमें ना ये स्वेट प्रूफ पसीने से भी बचाएगा। कोई भी टैल्कम पाउडर ले लो या फिर कोई भी ये ले लो, कोई भी कॉम्पैक्ट, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट कॉम्पैक्ट है। और ये कौन सा है, ये एंड वाई का कॉम्पैक्ट है, एंड फटाफट तैयार हो जाएगी। 5 मिनट का मेकअप है, कोई ज़्यादा वो मेकअप नहीं है, एंड डन। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, उसके बाद हम कोई भी लिपस्टिक ले लेंगे। लिपस्टिक को क्या करना, आई शेडो की तरह अप्लाई कर लो पहले, हल्का हल्का
ले लिया दोनों साइड है, और ये वाली जो फिंगर था इससे ऐसे ऐसे कर लो, हो गया। अब इसके बाद जो आपको अपने चिक बोन पर अप्लाई कर लो थोड़ा नेचुरल, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट लगे, तो ज़्यादा अप्लाई मत कर लेना, थोड़ा थोड़ा कर लेना, ठीक है, कभी भर लो, हल्का ही अप्लाई किया करो। और अगर ज़्यादा हो ज़्यादा थोड़ा नोज पे भी अप्लाई कर लो, ज़्यादा हो भी जाता है तो पता क्या किया करो, बहुत ही ईजी मैथड, ये लो और जहाँ पर हल्का हल्का सा फिर से वो कर लो, फिर से सेट कर लो, तो बता इससे क्या होगा, नेचुरल लगेगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखना, बिल्कुल नेचुरल करना है, ऐसे नहीं आपको फैला लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिपस्टिक को फिर से अप्लाई कर लो अपने लिप्स पर। देखो नेचुरल लग रहा है ना, मस्कारा लगाएं, मार्स का मस्कारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और देखो इसका जो ब्रश है इतना बड़ा है कि बड़े ब्रश से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्का हल्का कोट मारूंगी, ज़्यादा कोट नहीं मारना, और लाइनर वाइनर तो कुछ लगाना नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा ही करना है ना, तो हमें और हल्का हल्का बचे तो अपनी आईब्रो को फिल कर लेना बस। हमें आईब्रो भी ज़्यादा वो नहीं करनी, क्योंकि हमें ना सिल्क सिंपल मेकअप करना है ना, तो हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। एंड सो गाइस, ये मेरा फुल एंड फाइनल लुक, अनन्या पांडे इंस्पायर। शेयर कर लेना कि बहुत नेचुरल मेकअप लुक था, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। एंड वीडियो को शेयर तो कर ही देना, एंड लाइक भी कर देना प्लीज़, मैंने मेहनत की है। एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी जो आने वाली नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।